हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज का ये टॉपिक जो कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ और इसमें हम सीखेंगे कि कैसे हम स्विच बोर्ड एक बना सकते हैं जिससे कि बहुत सारे बटन हम उस पर रख दें। तो ये कैसे कर सकते हैं आइए देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक टेबल सबसे पहले हमने बनाया है डिजाइन व्यू में जा करके और ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का 2016 वर्जन यूज कर रहा हूँ। तो यहाँ पे रोल नंबर रखा है, ऑटो नंबर, फिर फर्स्ट नेम, फिर लास्ट नेम, इसे शॉर्ट टेक्स्ट रखा है हमने और यहाँ पे फुल नेम को भी शॉर्ट टेक्स्ट ही रखा है और यहाँ पे इंग्लिश के मार्क्स हैं और कंप्यूटर के मार्क्स हैं और हिंदी के मार्क्स हैं। तो इन तीनों को नंबर डेटा टाइप रखा है और यहाँ पर एक स्पेशल आपको मिल जाता है कैलकुलेटेड। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये कैलकुलेटेड डेटा टाइप यहाँ पे हमने लिया हुआ है और यहाँ पर कैलकुलेट किया हुआ, यानी इन तीनों को एड कर दिया हमने यहीं पर, यानी कि टेबल बनाते समय ही इसे एड कर दिया है। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमने टेबल डिजाइन किया है और ये टेबल कुछ इस तरह से वर्क करेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे टोटल अपने आप आ रहा है। तो ये फैसिलिटी आपको 2007 वर्जन में नहीं मिलेगी। तो इस तरह से हमने ये कर लिया है। आपको क्वेरी में जाके, क्रिएट में जाके और क्वेरी डिजाइन में जाकर के पहले क्वेरी बनानी होगी, तब जाके ये आप कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, यहाँ पे ये फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को ऐड करके यहाँ फुल नेम किया है हमने, तो फुल नेम यहाँ पे नहीं दिया है। फिर उसके लिए हमने एक क्वेरी बनाई है, तो यहाँ पे स्टूडेंट क्यू नाम से एक क्वेरी बनाई है, तो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम दोनों एक साथ कॉन्केटिनेट हो गया है। और इसके लिए जो हमने किया है वो यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पर इसके लिए हमने एंड से इसे जोड़ा है, ठीक है, और बीच में एक स्पेस भी रखा हुआ है। ये देखिए स्पेस रख दिया है ताकि इन दोनों के बीच में, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम के बीच में एक स्पेस भी आए। ठीक है, इसको मैं जूम व्यू पे लेके आपको दिखा देता हूँ, आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा ये। तो ये देख सकते हैं कुछ इस तरह से हमने ये किया हुआ है, तब जाके ये अगर मैं इस क्वेरी को रन करवाता हूं तो ये इस तरह से ये दोनों नाम को, ये फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को कॉन्केटिनेट करके ये दे रहा है। ठीक है, इसको थोड़ा सा और विड्थ बढ़ा देता हूं ताकि और अच्छे से ये दिखाई पड़ेगा। राजेश और सिंह, इन दोनों के बीच में एक गैप है, फिर रितेश तिवारी, इन दोनों के बीच में गैप है, सौरभ जायसवाल, इन दोनों के बीच में गैप है, फिर प्रतिमा अंसारी, इन दोनों के बीच में एक गैप है और यहाँ पे टोटल तो होके आ ही रहा है। तो ये इस तरीके से डिजाइन किया और यहाँ पर एक फॉर्म बनाया हमने और फॉर्म के लिए अलग अलग यहाँ पे देख सकते हैं हमने बटन भी बनाए हैं। करते हैं, यहाँ पे क्विट एप्लीकेशन पे जाएंगे तो इस एप्लीकेशन से बाहर निकल जाएंगे आप। ठीक है, टॉपिक स्विच बोर्ड का है तो सबसे पहले हमें करना क्या है, हमें एक न्यू फॉर्म डिजाइन करना है। तो यहाँ पे फॉर्म पे चले जाते हैं। ठीक है, न्यू फॉर्म पे आ गया, ये न्यू फॉर्म हमने ले लिया है, इसको डिजाइन व्यू पे लेके दिखाता हूँ। ये हमारा फॉर्म है, यहाँ पर हमने स्विच बोर्ड लिख दिया है। ठीक है, आप भी ऐसे ही स्विच बोर्ड लिख देंगे और यहाँ पर ये देखिए फॉन्ट कौन सा यूज कर रहे हैं हम, ये फॉन्ट हम थोड़ा डार्क फॉन्ट, बड़ा फॉन्ट यूज करेंगे। इस तरह से स्विच बोर्ड ले लिया है, आप चाहे तो इसकी साइज और भी ज्यादा इंक्रीज कर सकते हैं और यहाँ पे इसका कलर मैं रेड कर देता हूँ तो ये इस तरीके से दिखाई पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पर फुटर है और यहाँ पर हमें वो स्विच बोर्ड डिजाइन करना है, बनाना है। तो हमें क्या करना है, हमें यहाँ डिजाइन पे जाना है और आपको यहाँ पर जैसे ही आप जाएंगे तो यहाँ पर अगर बटन पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे ऐसे करेंगे तो ये बटन जो है, बटन करने के बाद जो विजर्ड ओपन होता है वो विजर्ड ओपन होगा नहीं। तो विजर्ड ओपन हो इसके लिए आपको क्या करना है, देखिए जनरली विजर्ड ओपन होता नहीं है, किसी किसी में ओपन भी हो जाता है, लेकिन यहां पर करना क्या होगा अगर विजर्ड को ओपन करना है तो विजर्ड को ओपन करने के लिए यूज कंट्रोल विजर्ड, ये जो है ना इस पर आपको क्लिक कर देना है। एक बार क्लिक कर दिया है आपने, फिर यहाँ बटन पे क्लिक किया तो फिर यहां पर जैसे ही आप ड्रैग करेंगे तो ये जो कमांड विजर्ड है ये ओपन हो जाएगा। ठीक है, अगर आप क्लिक नहीं करेंगे तो क्या होगा, यहां पर देखिए जैसे इस पे जाकर के यहाँ और यहां से ड्रॉप डाउन पे जाकर के फिर यहाँ यूज कंट्रोल विजर्ड, इसको मैं ऑफ कर देता हूँ। ठीक है, अब इस पे क्लिक करते हैं तो ये देखिए ये होगा, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे और फिर वो कमांड विजर्ड ओपन नहीं होगा। तो आप एक बार इस पे क्लिक कर ले, एक बार क्लिक कर लेंगे तो फिर ये ओपन होने लगेगा। अब यहाँ पर जाकर के और इस पे क्लिक कर दीजिए और यहाँ पर ये इस तरीके से ले लीजिए। ठीक है, और फिर सबसे पहले तो हमें फॉर्म को ओपन करना है। ठीक है, तो फॉर्म ऑपरेशन पे चलेंगे। ठीक है, अप्लाई फॉर्म फिल्टर ये सब दिया हुआ है यहाँ पे, तो ये देख लीजिए आप क्या करना है। ठीक है, तो हमें ओपन करना है फॉर्म को। ठीक है, ओपन पे गए और हमारा फॉर्म पहले से बना हुआ है स्टूडेंट एफ के नाम से, तो ये स्टूडेंट एफ पे हम कर देंगे। तो जाना है ओपन द फॉर्म एंड शो ऑल रिकॉर्ड्स। ठीक है, और यहां पर क्लिक कर दीजिए और फिर यहां पे ओपन फॉर्म पे जाइए और फिर नेक्स्ट पे चले जाइए। यहां पर कमांड 11 आ रहा है, ये किस तरह का बटन है ये यहाँ पे हमें दिखाना है। तो यहाँ पे मैं ओपन फॉर्म लिख देता हूं ताकि ये पता चलता रहे कि ये फॉर्म जो है, ये बटन जो है ओपन फॉर्म को ओपन करने का बटन है। ठीक है, अब ये फॉर्म बटन जो है हमने बनाया है, जो स्विच बोर्ड बना रहे हैं हम, ये ऑर्डिनरी स्विच बोर्ड के जैसा दिखाई पड़ रहा है। तो हमें क्या करना है इसके लिए, इसके लिए हमें जाना होगा यहाँ पर, ये देखिए पहले यहाँ पर क्लिक कर लेता हूं और फिर आना होगा होम टैब पर और यहां से हम बैकग्राउंड इसका कौन से कलर में कर देते हैं, ये इस तरह का बैकग्राउंड बना देते हैं या थोड़ा हल्का,
और भी ज्यादा। तो ये इस तरह का बैकग्राउंड हमने कर दिया इसका, और यहाँ पर टेक्स्ट का जो कलर है और टेक्स्ट का जो स्टाइल है इसको पहले बोल्ड कर देता हूँ, ठीक है। और फिर यहाँ पर टेक्स्ट के लिखने का जो स्टाइल है वो भी आप चेंज कर सकते हैं, तो पहले इसे सिलेक्शन में लेना होगा, फिर आप चेंज कर पाएंगे यहाँ पर जाकर के, और जो भी स्टाइल आप चाहते हैं, ठीक है। तो ओपन फॉर्म कर देते हैं, तो ये एक ओपन फॉर्म के लिए आपने क्रिएट कर लिया। अब आपको दूसरा बटन क्रिएट करना है क्विट के, एप्लीकेशन से क्विट होने के लिए बटन क्रिएट करना है। तो क्विट होने के लिए कैसे बटन क्रिएट करेंगे, तो क्रिएट पे जाइए, डिजाइन पे जाइए, और यहां से एप्लीकेशन के क्विट होने के लिए बटन क्रिएट कर सकते हैं आप। तो कंट्रोल विजार्ड पे क्लिक पहले से ही है, और यहां पे बटन पे क्लिक करके, और फिर यहां पर इसको इस तरह से ये आ जाएगा। अब मान लीजिए कि एप्लीकेशन से क्विट होने के लिए आपको बटन बनाना है, तो कैसे क्विट होंगे, तो ये एप्लीकेशन पे चले जाइए और क्विट एप्लीकेशन पे आ जाइए, और यहां पर आने के बाद टेक्स्ट रखता हूं इसे, और यहां पे क्लिक करता हूं, और फिर यहां पे चूंकि ये क्विट एप्लीकेशन का बटन है तो यहां पे एप्लीकेशन से आप क्विट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हमने कर दिया, अब इसके अकॉर्डिंग इसको रखना है इसी के बराबर, तो यहां से इस तरह से कर लीजिए। और ये सारी सेटिंग की कैसे हम एकदम एक दूसरे को बराबर शेप में लेके आ पाएंगे ये सारी चीजें, और यहां पर फॉर्मेट पेंटर ओपन हो जाता है, ठीक है। तो यहां से फॉर्मेट पेंटर इसको ले लिया सिलेक्शन में, फॉर्मेट पेंटर किया, और फिर इसको भी फॉर्मेट पेंटर। तो ये इस तरीके से देख सकते हैं दोनों एक जैसा हो गया है। अब एक तरह से ये स्विच बोर्ड हमने क्रिएट किया है, और भी चाहे तो बटन आप ऐड करा सकते हैं, ये स्विच बोर्ड बन जाएगा। अब यहां से हमें क्लिक करना है व्यू पर, तो ये देख सकते हैं इस तरीके से ये आया हुआ है, ठीक है। नीचे और भी बटन आप चाहे तो लगा सकते हैं, आपका स्विच बोर्ड और अच्छा दिखेगा। तो यहाँ पे जाकर के एक चलिए और बटन लगा लेते हैं इसपे, यहाँ पे जाकर के बटन पे क्लिक करके, और फिर यहां से इसको ऐसे कर लेते हैं हम, ठीक है। और इस यहाँ पे फॉर्म ऑपरेशन पे जाकर के प्रिंट फॉर्म, फॉर्म को प्रिंट करने का बटन बनाएंगे, तो ये फॉर्म को प्रिंट कर देगा, ठीक है। नेक्स्ट पे जाके और यहाँ पे प्रिंट फॉर्म, ये बटन हमने क्रिएट कर लिया, और यहां से फिनिश पे कर दिया क्लिक। तो इसको भी सेम साइज में लेके आना है, तो यहां पे जाकर के और इसको एकदम से सेम साइज का बना लीजिए लगभग, ठीक है। ये इस तरह से हमने कर दिया, और फिर यहां पर जाकर के इसको थोड़ा छोटा रखिए। आप चाहे तो यहां पर सेटिंग कर सकते हैं प्रॉपर्टी में जाके, इसके लिए मैं सेपरेट वीडियो क्रिएट करूंगा। ये हो गया, ठीक है। अब जैसा ये दिख रहा है वैसा ही करने के लिए आपको फॉर्मेट पेंटर का यूज करना होगा, और यहां पे जाकर के इस तरह से आप बना लीजिए, तो ये सब एक जैसा दिखने लगा है। अब यहां से व्यू पे जाइए। अब मान लीजिए आपको फॉर्म ओपन करना है, तो फॉर्म पे क्लिक कीजिए, तो ये फॉर्म ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब फिर यहां पर आता हूं, अगर क्विट एप्लीकेशन होना है तो यहां से आप क्विट एप्लीकेशन हो सकते हैं, यस करेंगे तो आप एप्लीकेशन से क्विट हो जाएंगे, ठीक है। फिलहाल यहां पर आता हूं प्रिंट फॉर्म, तो ये फॉर्म को प्रिंट करने का बटन है, अगर आप फॉर्म को प्रिंट करना चाहते हैं तो यहां से फॉर्म को प्रिंट भी कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि ये स्विच बोर्ड वाला वीडियो आपको जरूर अच्छा लगेगा। वीडियो पसंद आए तो शेयर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।